Assalamualaikum, Samians. Hope so you are good and doing your work very well. So, class 2, in our previous lecture, we complete our unit number 2. In this lecture, we start a new unit about software. So, let's start our work. Ji, the students, our unit ka name hai Introduction to Software. Software, hard form mein bhi humare paas jo hote hain, aapne dekhi hain. कंप्यूटर को रन वगैरह करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. मोबाइल के अपने अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लैपटॉप के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं. आज हम कंप्यूटर के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ कंप्यूटर प्रोग्राम. हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम चला रहे हैं, उसकी वजाहत करने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी डिटेल बताने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह वर्क करेगा. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये क्या, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? ये सेट है, कलेक्शन है, मजमुआ है किसका? हिदायत का. ठीक है, इसको हम हिदायत देते हैं. हमने अगर एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर किया है कंप्यूटर में, तो उसको हमने इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं कि कोई भी वायरस आएगा आपने उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है. तो हमने उसको क्या दी है, इंस्ट्रक्शन. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने करना क्या है. ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्लियर हुई है कि ये सेट ऑफ क्या है, इंस्ट्रक्शन, हिदायत का मजमुआ है. That tells the computer, जो कंप्यूटर को बताता है कि what to do, कि क्या करना है. ठीक है, next आ जाइए. Software can be split into two main categories. Software को जो है हम दो हिस्सों में divide करते हैं. एक system का software होता है जो system के अंदर पहले से मौजूद होता है, और एक application software होता है जो कि हम खुद install करते हैं applications को run करने के लिए. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द कंप्यूटर. क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर चलाता है. अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं सही तरीके से वर्क करते. इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग मेमोरी. इसमें कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है मेमोरी के लिए, वीडियो कार्ड, कीबोर्ड वगैरह, इन सब के लिए. इनके सॉफ्टवेयर जो है, कीबोर्ड का हमने सॉफ्टवेयर पहले से अगर हमने कीबोर्ड यूज करना है तो उसका हमने सॉफ्टवेयर किया होगा कंप्यूटर में, तभी वो रन करेगा. ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो इन चीजों को इसके साथ अटैच करके इसकी वर्किंग वगैरह सारा कुछ देखता है. द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, द कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 7. तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, हमारा विंडोज 7 एक्चुअली सब में होती है. तो वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है. आगे आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो था जो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, सिस्टम की चीजों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे हम काम करना चाहते हैं. एमएस एक्सेल जैसे पेंटिंग का टूल वगैरह, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का होता है जैसे जिसको हमने इस्तेमाल करना है. ठीक है, एप्लीकेशन होते हैं जिस वो सॉफ्टवेयर जिसको हमने इस्तेमाल करना होता है. सम आर यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड. कुछ सॉफ्टवेयर इसलिए यूज होते हैं कि हमने कुछ रिकॉर्ड रखने होते हैं, जैसे एमएस एक्सेल, वर्ड, सारे ये सब जहाँ पर आपके रिजल्ट वगैरह बनते हैं, सारा कुछ रखना होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ पर रखते हैं. वाइल अदर आर यूज फॉर डिजाइनिंग. और कुछ जो होते हैं डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे अडोब फोटोशॉप, वहाँ पर आपके पिक्स वगैरह एडिट होती है. ये सारे एप्लीकेशन है जिसपे हम अपना काम करना चाहते हैं. और सिस्टम को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन को चलाने के लिए वो हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं. नेक्स्ट आज हम पेज नंबर 22 पर. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. माइक्रोसॉफ्ट, अब कंप्यूटर में विंडो होती है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. विंडो अगर नहीं होगी तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है टू रन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होता है. द एरिया वी कैन सी As soon as the window start, जैसे ही window start होती है desktop पे, तो ये वाला logo आ जाता है. समझ आ गई? तो ये हमारा क्या है, Microsoft window, जो कि क्या है, एक system software. हमारा अगर system में ये window नहीं होगी तो हमारा system work नहीं करेगा. आगे आ जाएं, जब ये हमारा start हो गया फिर हमारे desktop की इस तरह करके window आ जाती है.
द मेन वर्किंग एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज डेस्कटॉप, यहाँ पर हम सारा काम करते हैं। इट कंटेन बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड होता है, इसमें हमारे डिफरेंट आइकॉन्स होते हैं, ठीक है, ये आइकॉन्स होते हैं, और टास्क बार होती है। टास्क बार हमारी ये होती है, जो हम टास्क परफॉर्म, जो टास्क हम कर रहे होते हैं, टास्क मीन काम, ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं वो यहाँ पर शो होता है, उसको मिनिमाइज करके यहाँ पर ले आते हैं। ये हमारा आइकॉन होते हैं और ये हमारा बैकग्राउंड होता है, और ये सारा मिलकर हमारा क्या बनाता है, डेस्कटॉप ऑफ विंडो या डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया हमारा डेस्कटॉप के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में। नेक्स्ट हम इसके टास्क बार, आइकन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। होप्स आज की आपके रीडिंग की समझ आ गई होगी, जो आपको मतलब कोई भी कंफ्यूजन होगी आप फ्रीली पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।